नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी लाया हूँ जिसका नाम है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर डाइवर्जेंस, यानी कि MACD। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए तभी आप ये प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे। इस पे बेसिकली आपको पता चलता है कि कहाँ लॉन्ग करना है, कौन से पॉइंट पे, और कहाँ शॉर्ट करना है। एग्जैक्टली एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल, वेदर इट इज़ शॉर्ट और लॉन्ग, ये स्ट्रैटेजी और RSI का कॉम्बिनेशन अगर आप करते हैं, या फिर खाली MACD भी अप्लाई करके, आपको एग्जैक्टली एंट्री और एग्जिट लेवल दोनों प्रॉपरली मिल जाएंगे। नए यूज़र्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम हितेन दक्षिणी है, मैं एक SEBI रजिस्टर ऑथराइज पर्सन हूँ सिंस 2007, एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, म्यूचुअल फंड मैनेजर, SIP मैनेजर, काफ़ी सारी एडवाइजरी प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी के, और हमारी कंपनी PMS सर्विसेज भी देती है हमारे क्लाइंट्स को। तो ये थे कुछ मेरे प्रोफाइल्स, मेरे सर्विसेज नए क्लाइंट्स के लिए, नए यूज़र्स के लिए। चलिए आज का हम वीडियो की शुरुआत करते हैं MACD स्ट्रैटेजी। सम ट्रेडर्स यूज़ मूविंग एवरेज एज अ पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर द डे ट्रेडिंग। मेनी स्टॉक्स विल स्टार्ट एन अपसाइड और डाउनसाइड ट्रेंड रिस्पेक्टिंग द मूविंग एवरेज इन 1 मिनट, 5 मिनट चार्ट एज टाइप ऑफ मूविंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन। मोस्ट ऑफ द इंट्राडे ट्रेडर्स जो रहते हैं वो MACD को अप्लाई करके एग्जैक्टली 5 मिनट चार्ट में और 1 मिनट चार्ट में कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है, कौन से ट्रेंड में स्टॉक जाने वाला है, एग्जैक्टली ट्रेडर्स को पता चलता है MACD अप्लाई करने से। ट्रेडर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस बिहेवियर एंड राइड द ट्रेंड अलॉन्ग मूविंग एवरेज, यानी कि ट्रेडर्स अगर ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो एग्जैक्टली उनको ट्रेंड पता चलता है और फिर वो ट्रेंड के हिसाब से अपना ट्रेडिंग करते हैं। ऑन टॉप ऑफ मूविंग एवरेज फॉर गोइंग लॉन्ग और बिलो मूविंग एवरेज फॉर शॉर्ट सेलिंग, यानी कि जब भी ग्रीन लाइन जो आगे मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा, जब भी उसके ऊपर जाता है, क्रॉस करके मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ जाता है, वहाँ पे आपको लॉन्ग करना है, और अगर MACD को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है तो वहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। आगे मैं आपको ग्राफ में एग्जैक्टली समझाऊंगा कि मैंने आपको क्या बताया अभी। मूविंग एवरेज आर बिकमिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिकॉज मैनी ट्रेडर्स आर लुकिंग एट दिस लाइन्स एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन देम, यानी कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस पर्टिकुलर स्टॉक का कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। अगर आप MACD अप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास है या फिर सपोर्ट के पास है। अगर रेजिस्टेंस के पास है तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, अगर सपोर्ट के पास है तो वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। MACD स्ट्रैटेजी यूजिंग 9 EMA। अब EMA का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आपको अपने ग्राफ में एक टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल स्टडी है, जो हर एक टेक्निकल इंडिकेटर, हर एक टेक्निकल चार्ट में आपको मिल जाएंगे। एक पर्टिकुलर टेक्निकल स्टडी है जो आपके अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। यूजिंग 9 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दैट इज़ EMA एंड 50 and 200 सिंपल मूविंग एवरेज दैट इज़ SMA। ये दोनों एक टेक्निकल टर्म है, EMA एंड SMA, ये दोनों आपको टेक्निकल चार्ट में आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। दो तरीके से आप MACD यूज़ कर सकते हैं, या फिर 9 और 20 EMA आपको अप्लाई करना है, या फिर 50 and 200 डे, यानी कि 50 डे एंड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि अराउंड 50 डे का उसका मूविंग एवरेज क्या है, अराउंड 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, और जो पहले मैंने आपको बताया यूजिंग 9 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि 9 डे उसका EMA क्या है उसका और 20 डे EMA क्या है, ये दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी आई नोटिस्ड अ बुल फ्लैग पैटर्न has formed. I saw that a consolidation period was happening on top of 9 EMA. As soon as I saw that 9 EMA was holding that support, I jumped on the trade and rode the trend until the price broke the moving average. I marked my entry point and exit points on the chart. जैसे इस समय आपको चार्ट दिख रहा है, एक 9 EMA के लेवल के आसपास स्टॉक कंसॉलिडेट हो रहा है। जैसे ही 9 EMA को सपोर्ट पकड़ के चला है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वहीं पे आपको अपना एंट्री करना है, लॉन्ग करना है, और एंट्री और एग्जिट लेवल प्रॉपरली अप्लाई करना है। जैसे इस समय आपको ग्राफ में दिख रहा है, नीचे जहाँ से ट्रेंड चालू हुआ था वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और जहाँ पे एग्जैक्टली वो सपोर्ट मिल रहा है उसको, जहाँ पे वो वहाँ पे उसको एंट्री लेना है, और जैसे ही ऊपर जाता है एग्जिट देखिए, आपको जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, 9 EMA को ब्रेकआउट दे रहा है,
वहीं पे आपको एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। MACD स्ट्रैटेजी यूजिंग 20 EM है। अभी मैंने इसके पहले बताया 9 EM है, उसी तरीके से एग्जैक्टली 20 EM अगर आप अप्लाई करते हैं चार्ट में तो उसको कैसे आप कर सकते हैं। इन द चार्ट यू विल सी हाउ यू कैन ट्रेड बेस्ड ऑन 20 EM इन 1 मिनट चार्ट, यानी कि एक 1 मिनट का अगर इंटरवल आप लगाते हैं और साथ में 20 EM का टेक्निकल टर्म लगाते हैं अपने चार्ट में, तो किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं वो इस एग्जैक्टली इस फिगर में आपको दिख रहा है। आई मार्क माई एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स ऑन द चार्ट यूजिंग 9 and 20 EM एंड 50 and 200 SMA और 11 and 20 EM एंड 50 and 200 SMA। देखिए चार कॉम्बिनेशंस अब तक मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले 9 और 20 EM, उसके बाद बताए थे मैंने आपको 50 और 200 SMA। अब जो लास्ट कॉम्बिनेशन जो रेयरली यूज़ होता है लेकिन कई ट्रेडर्स यूज़ करते हैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, वो है 11 and 20, 21 EM, यानी कि 11 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये दो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली कॉमन यूज़ होता है वो यूज़ होता है 9 and 20, ये दो कॉम्बिनेशन, या फिर 50 and 200 EM। 50 and 200 SMA कब यूज़ होता है, जब आप डिलीवरी करते हैं इंट्राडे टर्म्स में आपको 9 और 20 डे यूज़ करना है, और अगर आपको लॉन्ग शॉर्ट टर्म डिलीवरी ले रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म डिलीवरी ले रहे हैं तो 50 और 200 डे मूविंग एवरेज देखना है, स्मॉल मूविंग एवरेज देखना है, और उसके हिसाब से फिर आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि 200 डे को ब्रेक नहीं कर रहा है तो अपना डिलीवरी प्रॉफिट बुक कीजिए और एग्जिट कीजिए। अगर लग रहा है 50 डे के ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे एंट्री कीजिए और 200 के पास एग्जिट कीजिए। ये आप डिलीवरी टर्म्स में कर सकते हैं, लेकिन 9 and 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको इंट्राडे टर्म्स में यूज़ करना है। मूविंग एवरेज ट्रेंड स्ट्रैटेजी इज एन एक्सेलेंट स्ट्रैटेजी फॉर बिगनर्स बिकॉज इट इज़ यूजली डज नॉट रिक्वायर अ वेरी फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन। जनरली मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज में आपने देखना है आपको डिसीजन फास्ट लेना है, रिएक्शन फास्ट होना चाहिए आपका। जैसे ही प्राइस इंडिकेट करता है टेक्निकल चार्ट में वहीं पर आपको एंट्री करना है, वहीं पर आपको एग्जीक्यूशन करना है, लेकिन MACD में आपको प्रोसेस समझना है पहले प्रॉपरली और उसके हिसाब से ट्रेड करना है। बेसिकली जब स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है तब ये सब स्ट्रैटेजी बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बेसिक आपने बेसिक इसका जो बेस है इस स्ट्रैटेजी का वो है कंसोलिडेशन, जहाँ पे कंसोलिडेशन एक स्टॉक हो रहा है वहाँ पे MACD को प्रॉपरली अप्लाई कीजिए। 9 डे 21 डे 20 डे EMA लगाइए आप इंट्राडे के लिए, 50 डे एंड 200 डे SMA लगाइए आप इन शॉर्ट टर्म डिलीवरीज़ के लिए या फिर लॉन्ग टर्म डिलीवरीज़ के लिए। इन एडिशन स्टॉप लॉस एंड एंट्री पॉइंट्स कैन बी क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एवरेज ऑन द चार्ट, यानी कि इस समय दिख रहा है आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया है, एंट्री पॉइंट्स कहाँ पे लगाया है, क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। क्लियरली आपको जहाँ से ट्रेंड चालू हुआ है, जहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है उसको लगाना है आपको स्टॉप लॉस, जहाँ पे 9 या 20 डे EMA का सपोर्ट ले रहा है वहाँ पे एंट्री लेना है, और जैसे ही 9 डे या 20 डे EMA को ब्रेकआउट कर रहा है वहीं पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट। समरी ऑफ MACD स्ट्रैटेजी, व्हेन अ स्टॉक ट्रेंड इज रिस्पेक्टिंग मूविंग एवरेज आई कंसीडर ट्रेंड ट्रेडिंग। आई क्विकली लुक एट द प्रीवियस डे ट्रेडिंग चार्ट डेटा टू सी इफ द स्टॉक इज रिस्पॉन्डिंग टू दिस मूविंग एवरेज इन 1 मिनट और 5 मिनट चार्ट। आई हैव 9 and 20 डे EMA और 50 and 200 डे SMA। जैसे ही आपको दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर चार्ट MACD को या फिर मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है या मूविंग एवरेज को फेवर कर रहा है, इमीजिएटली आपको देखना है कि कौन सा EMA लगाना है आपको, वेदर इट इज़ 9, 20 या फिर डिलीवरी टर्म्स में आपको 50 या 200 SMA लगाना है। वंस आई लर्न विच मूविंग एवरेज इज सूटेबल टू द बिहेवियर ऑफ द ट्रेड आई बाय द स्टॉक आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट एंड आई बाय एज क्लोज एज पॉसिबल टू द मूविंग एवरेज लाइन इन ऑर्डर टू हैव अ स्मॉल स्टॉप लॉस। माई स्टॉक विल बी यूजली बिलो द ब्रेक ऑफ द मूविंग एवरेज लाइन। जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पे मूविंग एवरेज को फेवर करना चालू होता है वहीं पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है मूविंग एवरेज को वहाँ पे आपको अपना एग्जिट करना है ट्रेड को, यानी प्रॉफिट बुक करना है। आई राइट द ट्रेंड अंटिल द ब्रेक ऑफ द मूविंग एवरेज। जैसे मैंने अभी बताया जैसे ही मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है वहीं पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है।
आई नेवर यूज ट्रेलिंग स्टॉप्स एज एंड आई कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द ट्रेंड विथ माई आइज। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहता है वो MACD को जनरली सूट नहीं करता है, या फिर MACD में वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रैटेजीज। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो MACD में ये स्ट्रैटेजी मत यूज़ कीजिए। अगर स्टॉप लॉस हुआ है ट्रिगर, ब्रेकआउट हो रहा है नीचे MACD के नीचे, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मत करिए यहाँ पे। या फिर अगर ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो पूरा एक साथ प्रॉफिट बुक कीजिए, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मत लगाइए। इफ़ द स्टॉक इज़ मूविंग रियली हाई अवे फ्रॉम द मूविंग एवरेज, आई टेक सम प्रॉफिट यूजुअली एट हाफ पोजिशन। आई डू नॉट ऑलवेज वेट अंटिल द ब्रेक ऑफ द मूविंग एवरेज फॉर माई एग्जिट। जैसे अगर आपने एक एंट्री लेवल लिया है और उसके ऊपर आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये मैं जनरली करता हूँ मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको जब पूरा ब्रेकआउट हो जाए MACD को, वहीं पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपने एक MACD के फेवर में एंट्री लिया है और उसके थोड़ा ऊपर जाके आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। डोंट वेट एग्जैक्टली फॉर द ब्रेकआउट ऑफ द मूविंग एवरेज अपवर्ड्स, या फिर शॉर्ट में जैसे आपने ट्रेड किया है, लॉन्ग या फिर शॉर्ट। अगर प्रॉफिट मिल रहा है थोड़ा एंट्री पॉइंट के ऊपर जाने से, तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए। तो ये था आज का मेरा वीडियो MACD स्ट्रैटेजी का। बहुत ही सिंपल और बहुत ही समराइज मैंने ये MACD को स्ट्रैटेजी को बनाया। अगर इसको आपको ब्रीफ में सीखना है, लाइव चार्ट में सीखना है, लाइव मार्केट में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, ट्रेनिंग लेना है, वेदर इन इक्विटी, कमोडिटीज़, म्यूचुअल फंड, SIP में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, करेंसी में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, करेंसी में अगर आपको ट्रेनिंग लेना है, तो मेरा ईमेल ID, मेरे मोबाइल नंबर दोनों आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये जो PPT प्रेजेंटेशन है वो मेरे आपको अपने YouTube जो मेरा वीडियो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये PPT मिल जाएगा। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है वीडियो में, तो इस PPT को एक बार गो थ्रू कीजिए, वीडियो को बार बार गो थ्रू कीजिए, एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। मैंने इस समय खाली एक समरी दिया है MACD का। अगर आपको लाइव सीखना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको लाइव मार्केट में एग्जैक्टली सिखाऊंगा कि MACD को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कीजिए। मेरे YouTube चैनल को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि डेली दो बार आपको कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिले इन्वेस्टमेंट की तरफ, ट्रेडिंग की तरफ, कैसे अपना इन्वेस्टमेंट और बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपना ट्रेडिंग और बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में रोज़ दो बार कुछ ना कुछ छोटी छोटी लर्निंग्स आपको मिलेगी। और ब्रीफ वीडियोस मेरे आते रहते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार, उसमें आपको ये पूरा टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ सीखने मिलेगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि डेली दो बार आपको कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट की तरफ लर्निंग्स मिले। थैंक यू।